मुख्यमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया है, संविदा कर्मियों को पिछले 1.5 साल से उठा रही आवाज पर ध्यान रखते हुए जल्द ही यह भी साबित हो जाएगा किन किन संविदा कर्मियों को इस लिस्ट में रखा जाएगा। हालांकि बात संविदा कर्मियों तक ही है। इस सब पर बातचीत करेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ अमरेंद्र कुमार अमर जी, बीजेपी नेता, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय प्रेम कुमार जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जल्द हमारे कुछ साथी और हमारे साथ जुड़ेंगे, तब तक पहली शुरुआत में सीधा बिना समय गंवाए हुए सुरेंद्र सर से और छोटी छोटी शुरुआत करेंगे। सुरेंद्र सर, बड़ी पहल है, संविदा कर्मियों को एक खुशी का मौका तो मिला, अभी तक तो संविदा कर्मियों की बात पर सरकार कुछ बोल ही नहीं रही। लेकिन ये जो संविदा कर्मी की बात की गई है, ये कौन से संविदा कर्मियों को ले? देखिए, संविदा कर्मी बहुत से हैं, कुछ गवर्नमेंट द्वारा संविदा कर्मी रखे गए, कुछ आउटसोर्सिंग से रखे गए, कुछ हैं संविदा पर ये पता नहीं कि उनको कौन रखता है। तो मैं जब तक इस पर कोई बहुत स्पष्ट बात ना आ जाए सरकार से कि किस किस वर्ग के लोग, किस किस डिपार्टमेंट के लोग इसका लाभ उठाएंगे, तब तक मैं इस खबर पर कोई बहुत बड़ी टिप्पणी करने को तैयार नहीं। जी बिल्कुल साफ बात आपने की कि जब तक हमें तैयारी नहीं होगी, हमें जानकारी नहीं होगी, तब तक हम किस पर चर्चा करें। हालांकि मैं भी अभी कंफर्मेशन नहीं मिली है, जब तक एक सूची जारी न हो जाए कि इस संविदा के तहत किस किस को सेविंग पे का लाभ दिया जाएगा। लेकिन लाभ मिलना चाहिए, जो उन्होंने शब्द खोला है विज्ञापन शब्द, अनुदेशक की भर्ती भी विज्ञापन से हुई है। शिक्षा मित्र के बारे में अभी हमने जानकारी डिटेल की है, किसी शिक्षा मित्र से जो इससे संबंधित विशेष जानकारी रखता हो उसे जुड़ने के लिए कहा है ताकि वो अपनी बात बता सके, क्योंकि अगर इन सब चीजों की अगर हमें विस्तृत जानकारी नहीं है तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। प्रेम सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। प्रेम सर के पास सीधा पहुंचता हूं। प्रेम सर, कैसे देखते हैं इस, यानी सुरेंद्र सर ने बेबाक बात कह दी अपनी, जब तक डिटेल ना मिले तब तक क्या कहा जाए? देखिए, अभी तक जो सूचना है उसको अगर हम देखें तो हम कंपेयर कर सकते हैं, सातवां वेतन आयोग जब उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों पर लागू हुआ तो उत्तर प्रदेश के बजट में 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ा था, और अभी जो संविदा कर्मियों के लिए घोषणा हुई है उसमें सिर्फ 29 करोड़ रुपए का बोझ पड़ रहा है। तो आप समझिए, 29 करोड़ का बोझ का मतलब संविदा कर्मियों की संख्या मुझे अभी ठीक से याद नहीं है कि कितनी है, लेकिन आप उससे इक्वेट करेंगे 29 करोड़ तो बहुत मामूली रकम है, इसमें तो योगी आदित्यनाथ जी की कोठी भी की कीमत भी इससे ज्यादा होगी जिसमें वो रहते होंगे। तो 29 करोड़ को अगर संविदा कर्मियों में बांटा जा रहा है तो कोठी बेचने थोड़े ही आए हैं, वो मुख्यमंत्री बनके प्रदेश की जनता की सेवा करने आए हैं, आप भी कहां सर बात कर रहे हैं? आकलन लगा रहा हूं, एक मकान की कीमत जो होती है एक कोठी की, उसके बराबर जो होगा 29 करोड़ उसको पूरे संविदा कर्मी में बांटा जाएगा। तो जो 13 फैसले कैबिनेट ने लिए हैं ये रूटीन का फैसला है, इसको बहुत बड़ी हेडलाइन के रूप में पेश किया जा रहा है। इससे पहले क्यों नहीं हुआ ये? इससे पहले क्यों नहीं आया कि संविदा कर्मियों को हम देंगे? रूटीन का फैसला कैसे आप कह दोगे? रूटीन पर आप 13 बिंदु उठा लीजिए, सब तो पहली बार हुआ होगा ना, आप ऐसा